हेलो गाइस, मैं ललिता बर्मन एलबी बायोलॉजी वन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। इसमें आपके चार एनिमल आने वाले हैं। तो चार एनिमल कौन कौन से हैं? फर्स्ट एनिमल है आपका एंट अमीबा, नेक्स्ट है प्लाज्मा मीडियम, थर्ड है आपका पैरामीशियम और फोर्थ है आपका यूग्लिना। अब इन चारों एनिमल के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हम बता देते हैं, फिर हम उन्हें सीक्वेंस से पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट पढ़ना है हमें इसका क्लासिफिकेशन, सेकंड हमें इसके हैबिटेट के बारे में, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल और इसकी डिसीज़ मीन्स प्रोटोजोआ से उत्पन्न हमारे रोग के बारे में हमें पढ़ना है। बट इसमें हमारे जनरल कैरेक्टर से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इनका जनरल कैरेक्टर का भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका कि जब प्रोटोजोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं और यूनिसेलुलर, ये मीन्स यानी एक कोश के प्राणी होते हैं, और इनका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है मीन्स इनका टू न्यूक्लियस होता है। अब इसे सत्य केंद्रक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एक केंद्रक दूसरे केंद्रक में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसे हम ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब हम आपको थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। फर्स्टली जो ड्रम है प्रोटोजोआ, ये किसने दी थी? ये दी थी गोल्डफस ने 1817 में। ये बताया था कि प्रोटोजोआ क्या है, तो इसने बताया हमें कि प्रोटोजोआ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला प्रोटोज, दूसरा जून, जिसे उसने कहा कि ये कौन है, फर्स्ट एनिमल है, इसे हम प्रथम जंतु भी कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम जंतु किस में आते हैं, तो प्रथम जंतु किस में आते हैं आपके प्रोटोजोआ में। और प्रोटोजोआ का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, तो प्रोटोजोआ के अध्ययन को हम प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। प्रोटोजोआ को थर्ड लार्जेस्ट फाइलम भी कहा गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, प्रोटोजोआ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये थर्ड है तो फर्स्ट और सेकंड कौन से होंगे, तो हम आपको बता देते हैं कि जो फर्स्ट सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, और जो सेकेंड आपका फाइलम है वो कौन सा है, मोलस्का। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या होता है, यूनिसेलुलर, बट ये कौन सा होता है, यूनिसेलुलर बट डबल के अनुसार इसे ए सेलुलर भी कहते हैं, ए सेलुलर भी हम इसे कहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपकी यूपी टीजीटी के बारे में क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रोटोजोन्स में इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो प्रोटोजोन्स में इनका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार भी पूछा गया है कि प्रोटोजोआ में इनका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो इनका कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के प्रकार का होता है। या ये पूछ लेते हैं कि जैसे कि नेक्स्ट है हमारा कि ये कहाँ पाए जाते हैं और किस टाइप से पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में फ्री लिविंग में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग एंड पैरासाइट के इसमें पाए जाते हैं। तो फ्री लिविंग में हमारे कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम, और पैरासाइट में कौन से होते हैं, एंड अमीबा के फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड अमीबा के से पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी एसिमेट्री, बायोलेट्रिकल रेडिकल टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटोजोआ में किस टाइप की सिमेट्री होती है, तो प्रोटोजोआ में किस टाइप की सिमेट्री होती है, एसिमेट्री, बायोलेट्रल एंड रेडियल टाइप की इसमें पाई जाती है। और इन सदस्यों में एनिमल में लोकोमोशन सूडोपोडिया
फ्लैजेला सीलिया के द्वारा इनका लोकोमोशन होता है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि जो सीरोपोडिया है वो कौन कौन से एनिमल में पाया जाता है। जो सीरोपोडिया है वो अमीबा में पाया जाता है। जो इसमें फ्लैजेला किसमें पाया जाता है, यूग्लिना में। और आपकी जो सीलिया फ्लैजेला वो किसमें पाए जाते हैं, पैरामीशिया में। और कुछ जंतुओं में तो लोकोमोशन अब्सेंट होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि इन एनिमल के जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन की क्रिया कैसी होती है आपकी, हिटेरोट्रॉपिक। तो हिटेरोट्रॉपिक को हम क्या बोलते हैं, होलोजॉइक और होलोफिटिक एंड पैरासाइटिक फॉर्म में ये होता है। टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटोजोन्स का न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो उसमें हिटेरोट्रॉपिक ना देकर होलोजॉइक दिया गया था। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हिटेरोट्रॉपिक है, इसे हम क्या क्या बोलते हैं, होलोजॉइक एंड होलोफिटिक। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट कि जो इन एनिमल में जो इनका डाइजेशन हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, इंट्रासेलुलर फूड वैक्यूल के फॉर्म में होता है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आपको याद कर लेने, आप वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। तो उनका डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर फूड वैक्यूल के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है इनका रेस्पिरेशन, तो इनका रेस्पिरेशन कैसा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा। इनका रेस्पिरेशन कैसा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक दो क्वेश्चन तो इसमें पूछ ही लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये जनरल कैरेक्टर्स करा रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं आपको बोर करा रही हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कोई भी मिस्टेक हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको इनमें एक्सक्रीशंस, तो इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, कॉन्ट्रासाइल वैक्यूल एंड बॉडी सरफेस से होता है। एक्सक्रीशन किस में हो रहा है, इसमें कॉन्ट्रासाइल वैक्यूल एंड बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और जो इनका नेक्स्ट है इसमें आपका जो इनका रिप्रोडक्शन है, तो कैसा होता है इनका रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, बहुत टाइप से होता है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइंड डिफ्यूजन के द्वारा एंड मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा, तो नॉर्मली कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। ये कॉन्जुगेशन का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्जुगेशन किस में पाया गया, तो कॉन्जुगेशन आपके पैरामीशियम में पाया जाता है। जब हम डिटेल में पैरामीशियम को पढ़ेंगे तब हम आपको कॉन्जुगेशन के बारे में बताएंगे। मैं आपको सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बता दूँगी। इन फाइलम में पाए जाने वाले अधिकतर मेंबर्स की बॉडी नेक्ड होती है, यानी जितने भी हो कैसे होते हैं, नग्न होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में पेलिकल टेस्टा और सेल में पाई जाती है। और इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्यों में रीजनरेशंस की पावर अधिक होती है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि अमीबा है वो अपने सेल को दूसरे सेल में डिवाइड कर देता है अपने न्यूक्लियस के द्वारा, वो मतलब इनकी रीजनरेशन की पावर होती है। ओके, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी जो भी मिस्टेक है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया गया है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मैं धन्यवाद करती हूँ।